प्रणाम। एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी होगी, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप है, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन। आप मिट्टी के दो घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी इसका प्रबंध करता हूं महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या यह घी नीचे बैठ सकता है? असंभव, ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आप। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए, दुष्कर्म किए, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे, और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। कैसी तलवार है आपके हाथ में जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है? ना जाने कितने जन्मों और भटकता हूं यदि आपकी कृपा ना होती। इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु।